मैच अभी फाइनल नहीं हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कब कहां से टर्न होगा, सिर्फ देखते जाइए। एक बार फिर मैच स्टार्ट होता हुआ और ये नेट के अंदर रूल जी, एमके की तरफ से 1000 रुपया। भाई टीम कैप्टन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? और ये बहुत ही खूबसूरत, टू जीरो का स्कोर। एक बार फिर केके की तरफ से सर्विस और ये लंबा है, समझ नहीं पाए, गेंद पूरी तरह से ग्रिप में नहीं थी, साइड लाइन से बाहर हुई, बिना किसी संघर्ष के सर्विस चेस किसका होता हुआ, 0-2 का स्कोर। WPG 0, KK स्टील 2। और ये अतर जो है जिस रफ्तार से आ रहा है, साकिर भाई की तरफ से, हम तो कह रहे हैं दुकान लेके ही अंदर बैठ जाइए, एक एक पैकेट भेजने से अच्छा कार्टून आया हो, बहुत ही खूबसूरत था। एक बार फिर सर्विस चेंज होता हुआ, उन्होंने हमारे हवाले कर दिया दोनों कमेंटेटरों के। और एक बार फिर मैच स्टार्ट होता हुआ, हल्का सा टेप किया, उतना ही खूबसूरत डिफेंस, और ये शायद प्लेयर, शायद कोई भी प्लेयर वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आलम स्टील के और WPC टीम के मकसूद आलम साहब के भाई उनकी तरफ उनके लिए आया था, उन्होंने हमारे दोनों कमेंटेटरों को 300 रुपए ले लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्विस केके की तरफ से अच्छी सर्विस थी, ओए ये, मैं इसके लिए आसिफ भाई को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी तरह से नेट को फ्री कराया। एक बार फिर सर्विस चेंज होता हुआ, थोड़ा सा दर्शक ठंडे पड़े हुए हैं, मैच जो है मौका है। एक बार फिर केके और इसका पूरा फायदा उठाया केके के प्लेयर ने, सर्विस एक बार फिर चेंज होता हुआ, 2-1 का स्कोर। अच्छा मौका है, वेरी गुड डिसीजन भाई बचरेफरी, आप गुमराह नहीं कर सकते, रेफरी की नजर बहुत ही चौकन्नी है, और किसी भी तरह से अब तक अपने डिसीजन में वो चुके नहीं है, और इस तरह से एक आसान चेंज सर्विस चेंज होता हुआ 2-1। दो बड़ी टीमें जब खेलती हैं ग्राउंड पे तो ऐसा ही होता है। बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आउट मार रहा है, इस तरह से 1 पॉइंट का इजाफा, 3-1। दर्शक साथ ठंडे हो चुके हैं, प्लेयर तो गर्म है लेकिन दर्शकों की आवाज बंद हो गई है। मैं एक बार चाहता हूं कि आप अपने जिंदा होने का सबूत पेश करें, तालियों से दोनों टीमों का स्वागत करें, ताकि पता तो चले कि आप लोग हैं। वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन भाई, होल्ड नहीं कर सकते आप गेंद को अपने हाथों में, ये बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं। 4-1 और ये सर्विस बिना किसी संघर्ष का चेंज होता हुआ, दर्शकों ने ये साबित कर दिया कि हम अभी जिंदा हैं, आवाज आनी चाहिए आपकी, कम से कम पता तो चले कि आप मैच देख रहे हैं। ये लाइन मैन का इशारा इन है, बिल्कुल
उनकी पहली नजर पहले ही कह दिया गया है कि आपको मैच नहीं लाइन देखना है, और लाइन वो भी ग्राउंड की लाइन देखना है, कहीं और की नहीं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दिया, बहुत ही खूबसूरत था। काफी देर के बाद बहुत ही खूबसूरत 6-1 का स्कोर। इस बार मैच का रुख पलटता हुआ, पहला टाइम आउट, अब तक टाइम आउट में ये देखा गया है कि जब भी टाइम आउट लिया जाता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां सर्विस चेंज होती ही होती है। बहुत कम में ऐसा हुआ है कि जब होता हो टाइम आउट लेने के बाद, एक अच्छी सर्विस उतना ही अच्छा रिसीव। एक बार फिर मौका है, अभी हल्का सा टेप किया लेकिन गेंद पूरी तरह से, और ये खूबसूरत एक पॉइंट का इजाफा होता हुआ 2-6। अच्छी सर्विस और ये चेकआउट, थर्ड लाइन पर पूरी तरह से समझ में नहीं आया आशीष के, और इस तरह से गेंद हाथों को छूती ग्राउंड से बाहर गई। एक बार फिर गेंद काफी देर से हवा में, और ये उसका पूरा फायदा उठाना, दो नंबर की जर्सी पहने हुए 2-6 का स्कोर। जितनी तारीफ की जाए फिर से काफी देर के बाद, गाइडलाइन से बाहर मार गए 4-6। के खिलाड़ी को सबले भाई 200 रुपए का इनाम, और पहले भी डब्ल्यूटीसी पे 1,000 रुपए का इनाम लगा चुके हैं कि अगर मैच विनर होती है तो 1,000 रुपए का इनाम। इस तरह से किसे बोला वाले हैं और देखते हैं पॉइंट। पांच नंबर को फिर से सबले भाई का 200 रुपए इनाम, पांच नंबर जर्सी वाले को फिर से 200 रुपए का इनाम। हमारे क्योंकि स्टीलर की टीम अपने सारे नाम बोल चुकी है, बहुत अच्छी है क्योंकि स्टीलर टीम भी आपने लिए छह साथ
5020 रुपए बिलाल स्टील की जाने से केके स्टील वार को, और हर पॉइंट पे 200 रुपया अमीरुल्लाह साहब की जाने से, और हमारे आलम चौधरी की जाने से 2100 रुपया अगर वो मैच विनर होते हैं केके स्टील वार को 2100 रुपया। इस हिसाब से हमारे चौधरी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर लल्लू की जाने से 2000 रुपए, और चौधरी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर की जाने से जो टी शर्ट पहने हुए हैं भाई साहब को अंदर लिया गया है, पांच नंबर जर्सी वाले को सफलू भाई का 100 रुपया और आ गया है। WPC के खिलाड़ी कुछ पैसों की बौछार, 100 रुपये का इनाम पांच नंबर जर्सी वाले। नौजवानों के साथ खड़ा उतरने उतर रहे हैं अपने नौजवान टीम के साथ, तो इस तरह से खेल आगे बढ़ता हुआ फिर से चेंज कराया के स्टील वायर ने। देखिए क्या होता है, रेफरी डिसीजन बैड डिसीजन। अमोद गोरे साहब खेल ऐसे मरहले में पहुंच गया है जिसे कारगिल की जंग कहा जाए तो बेहतर होगा। दोनों तरफ से बम बारूद की बारिश हो रही है, उसमें अपनी जान बचाना मुश्किल है। आठ और आठ बराबर, आठ और आठ बराबर। रॉबिन तीसरे तरीके आठ हो रहा, पांच नंबर जर्सी वाले को 200 रुपया सबलू भाई की जाने से। WPC के खिलाड़ी का इनाम पांच नंबर की जर्सी वाले का 200 रुपया। Thank you.
डिस्कस ना करें आसिफ भाई। मोहसिन बागवान बहुत ही बेहतरीन रेफरी है। बहुत कम ऐसा होता है जो रोहन से सर्विस नहीं कर सके। नौ नंबर के जैसे डब्ल्यूपीसी के खिलाड़ी को 100 रुपए। चेकआउट कराने में कामयाब।
जेंटलमैन। कुर्सी मत तोड़ो, अभी की सर्विस पे 100 रुपए का इनाम।